हेलो गाइस, दिस इज द रोहित एंड बैक विद द वीडियो। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एविडेंस एक्ट के इस पेपर को। तो अगर ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, चेकआउट कर लेना। तो चलते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो इसके इंस्ट्रक्शन जो भी दिए गए हैं चाहो तो पढ़ लेना पेपर के, नहीं तो क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे यहाँ पे, इस प्रकार की कार्रवाइयों में पत्नी सक्षम साक्षी हो सकती है, यानी कि कैपेबल है वो, यानी विटनेस होने के लिए। देखिए ये जो है, अगर सेक्शन आप 120 पढ़ोगे ना इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि सिविल मामले में भी और दांडिक मामलों में भी जो हस्बैंड होता है वो भी और वाइफ होती है वो भी, दोनों सक्षम होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मूक साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य होता है मूक साक्षी। तो देखिए ये मूक साक्षी होता है यानी कि डम विटनेस होता है, वो बोल ही तो नहीं सकता, बाकी तो सब काम कर सकता है। ठीक है, तो उसका जो साक्ष्य होता है वो लिखित साक्ष्य, तो लिखित तो होता नहीं है, दस्तावेजी। जब लिखित होगा तभी तो दस्तावेजी होगा, तो ये दोनों तो पहले ही कट जाने चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो ना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। ये क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि उसके साक्ष्य को बोलते क्या है, जो वो मूक साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य होता है उसको बोलते क्या है, तो उसको बोलते हैं हम मौखिक साक्ष्य, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये पूछे मूक साक्षी द्वारा कैसे कैसे साक्ष्य दिया जा सकता है, तो वो रिटर्न में भी दिया जा सकता है, ठीक है, या फिर कोई साइन दे के भी दिया जा सकता है, कोई साइन जैसे कि वो कहना चाह रहा हो किसी एक्सपर्ट की मदद से, तो उस तरीके से हो सकता है। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है यहाँ पे। विशेषाधिकार दस्तावेज है क्या? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा विभागीय जांच के कथन, विभागीय जांच के कथन। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य के मत्स्य संव्यवहार पत्र। ऑप्शन नंबर सी है, दुर्घटना के रजिस्टर जो चिकित्सक द्वारा रखा गया है। या ऑप्शन नंबर डी, पक्षकार द्वारा अधिवक्ता को बताए गए अपमानजनक तथ्य। तो इसमें से जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सही आंसर हमारा होगा दैट इज ए ऑप्शन, विभागीय जांच की कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च होती है, यानी सुप्रीम होती है। लोक कल्याण की भावना क्या होती है? सुप्रीम। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे सेक्शन, ऑप्शन नंबर हमारा पहला है सेक्शन 119 जो कि बात करता है वर्बली कम्युनिकेशन के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन 115 जो कि बात करता है एस्टोपल के बारे में। ऑप्शन नंबर सी है हमारा 123 जो कि बात करता है एविडेंस एस टू एस्टेट के बारे में। ऑप्शन नंबर डी है हमारा 120 जो कि बात करता है हस्बैंड वाइफ के बारे में। तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेलस पॉपुली लैक्स ये एक मैक्सिम है, का सूत्र का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इस सूत्र का जो अर्थ होता है वो होता है हेल्थ ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, यानी कि हेल्थ, किसकी हेल्थ? पीपल की, किसी व्यक्ति की जो हेल्थ है वो होनी चाहिए सुप्रीम, वो होती है सुप्रीम। अब ऑप्शन पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लोकमत सर्वोच्च है यानी पब्लिक व्यू, ठीक है, और ऑप्शन बी है व्यक्ति सर्वोच्च है वेलफेयर। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है वेलफेयर ऑफ द पब्लिक इज सुप्रीम, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोनों में देखो मिस्टेक चल रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो यहाँ पे बी है, तो देखो इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रखा है। अब आपको यहाँ पे कौन सा चूज़ करना चाहिए, देखो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग बात आ गई, ये होता है कई कई क्वेश्चन में हो जाता है, तो आपको इंग्लिश वाला फॉलो करना है ना कि हिंदी वाला, ठीक है ना। मैंने सर से एक बार डिस्कस किया था ये सब कुछ, तो उन्होंने बताया था कि इंग्लिश वाला फॉलो करना होता है,
तो आपको इंग्लिश वाला फॉलो करना है, ना कि हिंदी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो थोड़ी सी मिस्टेक चल रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यक्ति सर्वोच्च है, यानी पीपल इज सुप्रीम। देखो व्यक्ति को इससे मिला दो, देखो ऑप्शन कहाँ पे जा रहे हैं, उसका बी, इसका डी, और इसका सी, और इसका डी, और इसका, देखो ये तो पजल हो गया, शुरू से समझते हैं, ठीक है। लोकमत, लोकमत होता है पब्लिक व्यू, जो कि सर्वोच्च है, बी ऑप्शन है हमारा, व्यक्ति सर्वोच्च है यानी पीपल इज सुप्रीम, बी को मिला दो डी से, या और तीसरा ऑप्शन है हमारा हिंदी में जनता का कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर, इसको मिला दो इससे। लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा प्रत्येक सर्वोच्च यानी एवरी, तो डी को मिला दो हम सी से, क्योंकि हमारा पीपल की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हिंदी को तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इंग्लिश में ही आ जाओ, ठीक है, क्योंकि यहीं से आप इस क्वेश्चन को लगा पाओगे, वरना हिंदी में तो गलत करके बैठ जाओगे, ठीक है। क्योंकि जो ऑप्शन है वो आगे पीछे दे रखे हैं, और मशीन चेक करेगी, ना कि कोई और व्यक्ति चेक करेगा जो सही कर दे। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो पीपल इज सुप्रीम, क्योंकि पीपल की हेल्थ सुप्रीम है वहाँ पे, पीपल का वेलफेयर, देखो वेलफेयर, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है, वेलफेयर से रिलेटेड नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत न्यायाधीश सच की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पहला है 135, 136 एंड 138 एंड 144। इसमें जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 138 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे साक्षियों की पहले की जाएगी, साक्षियों की पहले की जाएगी, क्या की जाएगी पहले, प्रतिपरीक्षा या पुनः परीक्षा या फिर मुख्य परीक्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले जो होती है वो होती है मेन एग्जामिनेशन, सबसे पहले यानी नंबर वन पे अगर आप रखोगे तो वो है हमारा मेन एग्जामिनेशन, एंड देन होती है हमारी प्रतिपरीक्षा, अब प्रतिपरीक्षा के बाद में होती है पुनः परीक्षा, ठीक है ना, 1, 2 और 3, तो ऐसे इनका क्रम होता है, यानी कि 1 नंबर पे और 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। तो इसमें से सबसे पहले पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि उसका उद्देश्य होता क्या है। तो उसका उद्देश्य जो होता है, देखिए बुद्धिमत्ता, किसी का ज्ञान चेक करना होता है, लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंस, अगर इंटेलिजेंस की जगह नॉलेज होती तो यहाँ पे ये सही हो जाता, लेकिन क्योंकि बेयर एक्ट में नॉलेज दे रखा है, इंटेलिजेंस नहीं दे रखा, हो सकता है ये आपको सिनोनियम्स लगे, लेकिन यहाँ पे इतना ही काफ़ी नहीं है कि आगे भी पढ़ना पड़ेगा। निष्पक्षता की जाँच तो नहीं होती है वहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं, साक्षी की विश्वसनीयता, तो देखिए एक वर्ड और दे रखा है विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी, और एक दे रखा है वर्ड नॉलेज, ठीक है, एक वर्ड दे रखा है नॉलेज। तो इन दोनों में से अगर कोई सा नहीं मिल रहा, तो एक तो मिल गया ना हमको सी ऑप्शन वाला रिलायबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे, क्योंकि जो बुद्धिमत्ता है वो ज्ञान के बारे में बात होती है, ना कि बुद्धिमत्ता के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साक्षी की पुनः परीक्षा कराई जा सकती है, साक्षी की जो पुनः परीक्षा होती है वो कराई जा सकती है, यानी कि पहले मेन एग्जामिनेशन होगा, एंड देन होगा फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में जो री एग्जाम होता है उसको करा कौन सकता है, तो उसको वही कराएगा जो उसको बुलाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन को कौन कराएगा, जो दूसरा होता है, दूसरी पार्टी का एडवोकेट, ठीक है, और री एग्जाम जो मेन एग्जाम कराता है वही री एग्जाम कराता है, ठीक है, क्योंकि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर कुछ उसने बोल दिया है अपने ही विटनेस ने, तो उससे दोबारा वो कुछ ना कुछ पूछताछ कर सकता है, तो उसको कहते हैं हम पुनः परीक्षा, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होना चाहिए, उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है, या प्रतिपक्षी द्वारा, या दोनों के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यायालय द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न के संबंध में प्रतिपक्षी को, तो प्रति ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद ही आंसर लगाना होगा, तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सेक्शन 124 अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये जवाब मिलेगा,
तो पढ़, हमेशा प्रतिपरीक्षा का अधिकार होता है। किसको अधिकार होता है? प्रतिपक्षी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, न्यायालय के क्वेश्चन द्वारा। बी ऑप्शन इज प्रतिपक्षी का कोई अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, केवल न्यायालय की अनुमान से प्रतिपरीक्षा कर सकने, यानी कि केवल न्यायालय की अनुमति से प्रतिपरीक्षा कर सकने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यायालय की अनुमति से, ठीक है ना। ये दे रखा है 142 में, तो वहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिनाख्त परेड, जो कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड, तो उसको कर किसके द्वारा ली जाती है ना, कौन कर सकता है उसको? तो अगर आप सेक्शन 11 अगर वहाँ पे पढ़ोगे आइडेंटिफिकेशन परेड का सेक्शन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आइडेंटिफिकेशन 9 में होती है आई थिंक, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन होती है 9 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे को बताना, ठीक है। सेक्शन 9 में होती है आइडेंटिफिकेशन परेड, उसको करा कौन सकता है? तो उसको कोई भी करा सकता है, कोई भी कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। पुलिस अधिकारी भी करा सकता है, मजिस्ट्रेट भी करा सकता है, कोई भी नागरिक भी करा सकता है। लेकिन इसमें तो सभी आ गए, ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं चौथे ऑप्शन में जो सभी को लगा दें। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई भी नागरिक, कोई भी करा सकता है उसको। सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है आर बनाम ब्लैक का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है। आर बनाम ब्लैक, देखिए इंपॉर्टेंट ये जो है केस है तो इसको याद कर लेना, ये किस सेक्शन से रिलेटेड है वो आपको बताना है। तो ये सेक्शन 10 से रिलेटेड है, यानी सेक्शन 10 यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहचान जो कार्रवाई होती है वो कैसा एविडेंस होता है, वो इसमें पूछा गया जनरली। तो पहचान कार्रवाई का ऑप्शन नंबर 1 है संपोषक साक्ष्य, यानी कोरोबोरेटिव एविडेंस, यानी अनुश्रुत साक्ष्य, यानी हेयरसे एविडेंस, हेयरसे होता है किसी का सुना सुनाया। या फिर ऑप्शन नंबर सी सारभूत, यानी कि सब्सटेंटिव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सब्सटेंटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा लॉर्ड मैकॉले, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 3 इज सर जेम्स स्टीफन एंड डी इज सन हेनरी मैन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सर जेम्स स्टीफन ने उसका प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से कौन सी धारा रेजिस्टी होती है, एक ही क्रम में जो घटना घटित होती है उसके बारे में बात होती है। तो रेजिस्टी का जो सिद्धांत निहित है वो सेक्शन 6 में निहित है, सेक्शन 6 में दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको, रेजिस्टी का सिद्धांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित वादों में से कौन सा मृत्युकालिक घोषणा, जब सेक्शन 32 आप पढ़ोगे एविडेंस का तो वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, यानी डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, तो उससे रिलेटेड जो केस है वो आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 इज आर बनाम टालसन, ऑप्शन नंबर 2 इज क्वीन बनाम अब्दुल्ला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वीन बनाम अब्दुल्ला, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वाद स्त्री की आंख के आंसुओं, यानी कि टीयर्स ऑफ द वुमेन्स आईज पर ही निर्धारित कर दिया गया था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आता है, रिपीट होता ही होता है ये, तो इसको ध्यान से एक तरह से याद कर लेना। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। इसमें कुछ भूलने या सोचने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और रिपीटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पुलिस की अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति, अगर पुलिस पकड़ ले जाती है और उसको कस्टडी में लेती है तो उससे वो कुछ कन्फेस कर देता है, तो वो सुसंगत होगी या विसंगत होगी या ग्राह्य होगी या ग्राह्य नहीं होगी, तो
तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, क्योंकि कोई भी कन्फेशन कर दो पुलिस की कस्टडी में वो ग्राही नहीं होता जब तक वो मजिस्ट्रेट से ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय का वाद संबंधित है। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय का जो वाद है वो किससे संबंधित है वो यहाँ पे आपको बताना है। षड्यंत्र से रिलेटेड है, या फिर एस्टोपल से रिलेटेड यानी कि विबंध से, या फिर संस्वीकृति से, या फिर उपधारणा से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि संस्वीकृति से यानी कन्फेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पलविंदर कौर बनाम, देखिए वही वाला मैटर है जो अभी हम पढ़ चुके हैं, स्त्री के आँख के आंसुओं वाला, ये किससे संबंधित है वो यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन है मृत्युकालिक कथन डाइंग डिक्लेरेशन, या फिर बी ऑप्शन है संस्वीकृति, एंड डी सी ऑप्शन है निर्णयों की सुसंगति, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन संस्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है साक्ष्य विधि कैसी है, साक्ष्य विधि क्या है उसके बारे में बात करता है। तो ये तो मुझे लगता नहीं है किसी को नहीं पता होगा, साक्ष्य विधि देशीय विधि होती है, यानी कि जिस न्यायालय में उसका मैटर चल रहा होता है वो वहीं तक लागू होती है। ठीक है, जुरिस्डिक्शन उसका इतना ही होता है जहाँ पे वो प्रवृत्त हो रही है, तो उसको देशी विधि बोलते हैं। और अगर इस मैक्सिमम हिसाब से बोला जाए तो उसको लेक्स फोरी बोलते हैं। लेक्स फोरी को ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाए रिपीटेड वाले तो उनको ध्यान से रख लेना, जैसे कि ये लेक्स फोरी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, लागू कहाँ कहाँ पे होता है या किस पे लागू होता है उसके बारे में देखना है। तो क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है हमारा एक मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई लागू होता है उसके बारे में बात करना है। ठीक है, अधिकरण के समक्ष कार्रवाई। देखिए आपने अगर शुरू से ही अगर आपने पढ़ी होगी बेयर एक्ट अगर एविडेंस की, तो वहाँ पे आपको क्लियरली मेंशनड है मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई को ये जो है नहीं होता है, अधिकरण के समक्ष भी नहीं होता है, न्यायालय ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्र, तो देखिए शपथ पत्रों को भी ये नहीं होता है। तो अब इसमें जो ऑप्शन बचा है वो है डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि क्या है उसके बारे में बात करना है। तो दैट इज नाउ अगेन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत। अब इसमें देखो कन्फ्यूजन वाली बात ये हो जाती है कि प्रक्रिया विधि है या फिर मौलिक विधि है या फिर ये दोनों है। तो देखिए मौलिक विधि का पार्ट एक आ जाता है 115 से लेकर 117 तक, जिसको कि हम एस्टोपल नाम से जानते हैं, तो एस्टोपल क्योंकि वो मौलिक विधि है, बाकी की सभी जो प्रक्रिया विधि में आती है। तो क्या ये दोनों हो सकता है? तो इसी में कंफ्यूज होता है कि बच्चे इसी को लगा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये केवल प्रक्रिया विधि के अंतर्गत आता है स्टिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है वो यहाँ पे बताना है आपको। केवल प्रिजम्प्शियो जुरिस या केवल प्रिजम्प्शियो ह्यूमिनस या फिर ये दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, जो साक्ष्य एक्सेप्टेबल नहीं है, एडमिसिबल नहीं है वो आपको बताना है। देखिए मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य या फिर शपथ पत्र पर दिया गया साक्ष्य या फिर विशेषक की साक्ष्य। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये साक्ष्य नहीं लिया जाता शपथ पत्र वाला। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि ये चार पार्ट में आएगा। एक मैंने पोल डाला था उसमें बोला था कि 20 से 25 क्वेश्चन ही होने चाहिए एक पार्ट में, वरना देखने में बोरिंग लगता है। तो इसीलिए नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और कितनी जल्दी पार्ट चाहिए दूसरा कॉमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।